नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कन्नौज सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, बसपा ने सपा से आए इस नेता को बनाया प्रत्याशी। बसपा ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने कानपुर देहात रहने वाले अकील अहमद पट्टा पर दांव लगाया है। अकील पहले सपा में थे और हाल ही में बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। भाजपा ने यहां से सांसद सुब्रत पाठक को प्रत्याशी बनाया है। सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल है। जोनल कोऑर्डिनेटर ने अकील अहमद प्रत्याशी घोषित किया। कानपुर देहात के रसूलाबाद में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में रसूलाबाद, बिधूना, छिबरामऊ, कन्नौज व तिरवा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही कन्नौज, औरैया व कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। जोनल कोऑर्डिनेटर ने अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी घोषित किया। कन्नौज सीट पर हो सकता है त्रिकोणीय मुकाबला। कन्नौज के बसपा जिलाध्यक्ष बबलू दोहरे ने बताया कि पार्टी की मुखिया मायावती के निर्देश पर घोषणा की गई है। पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। कन्नौज से बसपा ने 24 साल बाद अल्पसंख्यक उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि कन्नौज सीट पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।